प्रोसेस करके हम ये बनाते हैं। जैसे बैम्बू होता है बाहर, वैसे ये हमारा नहीं, नहीं इट इज नॉट बैम्बू, दिस इज प्लांट प्रोडक्ट इन बिलो। मेरा नाम पिंकी है, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ ब्लॉक बसोली से यहाँ पर G20 मीटिंग में आई हुई। हम LG मनोज सिन्हा के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने हम इस मीटिंग का हमें आने का मौका दिया। मेरा नाम मोहन मकबूल जान, मैं रहता हूँ लाल बाजार मगलमाला। हम आए थे G20 में, हमें शो के यहाँ जो हमारे G20 यहाँ JNK में हुआ, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। हमारा ये मकसद है जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये एक्सपोर्ट ये बढ़ना चाहिए। हम सब महिलाएं जो घर में प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे बसोली पेंटिंग हो गया, बसोली पेंटिंग आपको पता है ये तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जी बसोली पेंटिंग है जो हमारे SHG मेंबर बनाते हैं, जो कोस्टर्स हैं, जो की चेन्स हैं और जे मग हैं। जब से हमारी ट्रेनिंग हुई थी जम्मू में 13 दिन की, उसके बाद हमने ये कोस्टर बनाना भी शुरू किया और ये मग पर भी हम चाहते हैं कि हर चीज़ पर हम बसोली आर्ट को शो करें। मैं आप दोनों को ये दिखाना चाहूँगी। दिस इज अ फाइल फोल्डर, यू आर रेडी फॉर योर मीटिंग विद दिस। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन दिस। यू हैव अ लैपटॉप और एन आईपैड होल्डर, देन अ मोबाइल फोन, देन यू कैन कैरी योर पेन्स एंड योर डॉक्यूमेंट्स एंड यू आर रेडी फॉर योर वर्कशॉप होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए, जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो वहाँ भी आ जाएंगे, वहाँ के जो स्टूडेंट आर्ट के रिलेशन है वो भी यहाँ आ जाएंगे, उससे बिजनेस बढ़ जाएगा। ये हमारा मकसद है, हमारा शौक है। हमें उम्मीद है कि जो फॉरनर आ रहे हैं उनको हमारे जो हाथों से बनाए ओरिजिनल प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ही पसंद आएंगे और इनकी बहुत ज़्यादा मतलब कि फेमस भी होंगे। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं यहाँ पर एज अ पार्टिसिपेंट हूँ, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए एज अ आर्टिसन आया हूँ पश्मीना वीविंग के लिए। मेरा नाम यास्मीना है, मैं जरडीबल से आई हूँ। हम यही चाहते हैं, हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे कि G20 है, हर लेडीज़ को फ़ायदा मिले, इसी वजह से हम यहाँ आए। जितना हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, अगर G20 से हमें वो फ़ायदा मिले तो बेहतर है। उम्मीदें तो हमें बहुत सारी हैं, जैसे हमें पता है कि यहाँ पर 20 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आने वाले हैं, तो जो फॉरेनर्स है वो यहाँ पर हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स है उनको यहाँ पर जब वो हमें देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको एक बूस्ट मिलेगा। यहाँ जो काम है ये भी वो बाहर यहाँ देखेंगे, फिर बाहर बोलेंगे, अपने अपने मुल्क में बोलेंगे तो दूसरे भी सुनेंगे, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो इंटरनेशनल जो मार्केट है हमें उम्मीद है कि वो इससे बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो टूरिस्ट आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं, हमें होप है कि वो यहाँ पर विज़िट करेंगे। ये पहली बार हुआ, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, हमें शौक है ये आगे दिन ब दिन इवेंट होना चाहिए यहीं JNK भी, ये मुल्क की ताज है। आज हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही फख्र की बात है, जो लेडीज़ अपने घर में भी खुल के बात नहीं कर सकती आज वो इतने इंटरनेशनल इवेंट में अपना हिस्सा ले रही है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हम इस इवेंट का हिस्सा बन रही हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, यहाँ ये इवेंट लग गया है जो JNK के लिए ये मुंतखब हुआ ये जगह, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ लोग बात कर सकते हैं डायरेक्ट आर्टिसंस। जो गवर्नमेंट ने इशू लिया है यहाँ पर जो G20 होने वाली है, इससे टूरिज्म को बहुत ही बड़ा एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ पर जो हालात हैं हमारे वहाँ पर खुद ही वो ऑब्जर्व करेंगे, तो उससे एक उम्मीद है कि हमें एक बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्यूचर में। यहाँ पे रखे पेपर माशी, कहानी, ये स्पिनिंग, वो सुनार का काम है। इसके साथ जब से ये ट्रेडिशनल चरखा आया है तब से 1000 औरतें इस पर मुनहसर है, वो सारी औरतें आ रही है कारीगरी, तो इसकी वजह से तो G20 भी हो गया है, तो वो भी आएंगे अपने शहरों में बोलेंगे, ये तो बात फिर फैल ही जाएगी, उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा।
हमें उम्मीद है, बहुत उम्मीद है उससे बूस्ट मिलेगा कश्मीर की पहचान यहाँ टूरिज्म और यहाँ का आर्ट। जैसे हमारा पश्मीना है, कानी शॉल्स है, विलो विकर्स है, या कारपेट्स है, कॉपर वियर है, हर एक जो भी यहाँ पर कश्मीर का फेमस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है वो सारे यहाँ पर है। डेवलप तो हो रही है, एक ही बार नहीं हो जाएगा, बार बार ये हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये शुरुआत हो गई, ये हमारे लिए बहुत अच्छी शुरुआत हो गई, वही डेवलपमेंट हो गई। बिल्कुल डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत डेवलपमेंट हुई है। अभी जो G20 हो रहा है, ये हमें लगता है कि हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात है, यहाँ पर कश्मीर में हो रहा है। और इसके अगर आप रोड्स की कंडीशन देखेंगे या बिल्डिंग्स की कंडीशन देखेंगे, आप प्रीवियस कंडीशन और अभी की जो कंडीशन है बहुत ही डिफरेंस है, उनमें बहुत डेवलपमेंट हुई है। जो रोड्स हुआ वो भी ठीक तरह से हुआ, जो लैम्बर्ट लेन है, लाल चौक का सारा रास्ता है वो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारे लिए वो जो हमारे LG साहब ने भी शुरुआत की, ये बहुत अच्छा हुआ हमारे आर्टिज़नों के लिए और यहाँ के टूरिज़्म के लिए, यही शुरुआत है। अब LG साहब बहुत ज़ोर से कर रहे हैं ये काम, इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। मैं जो LG साहब हैं हमारे, तो उन्होंने यहाँ पर कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है, जिससे हमें लग रहा है कि जो प्रीवियस जो टाइम था और ये जो टाइम है सर, टोटली डिफरेंट है सर। हमें लग रहा है कि ये नया कश्मीर है सर।